धमतरी जिले में खाता धारकों के करीब 1,84,00,000 रुपए गबन करने वाले बैंक मैनेजर को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में अन्य एक और आरोपी फरार है। दरअसल ये मामला कुरूद स्थित HDFC बैंक का है, जहां बताया जा रहा है कि कुरूद स्थित HDFC बैंक के तत्कालीन बैंक मैनेजर श्रीकांत टेनिडी ने अपने कर्मचारी तेजेंद्र साहू के साथ मिलकर 20 से ज्यादा खाता धारकों के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। जब इसकी जानकारी खाता धारकों को हुई तो मैनेजर से मिले, लेकिन बैंक मैनेजर खाता धारकों को गोल मोल जवाब देने लगा, जिसके बाद खाता धारकों ने इसकी शिकायत कुरूद थाने में की। मामले की जाँच के बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद से दोनों फरार थे। वही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैंक मैनेजर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस आरोपी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। HDFC बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा थाने के गृह शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों का पता तलाश की जा रही थी, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम की गठन की गई, जिसमें साइबर की टीम और थाना कुरू की टीम शामिल थी। पता तलाश के दौरान उनका लोकेशन हैदराबाद होना मिला, जिस पर से साइबर की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उन्हें तलब कर थाना लाया गया और श्रीकांत टिनेटी से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया।